जनपद में मंगलवार को जिला अस्पताल सहित 58 केंद्रों पर 16,725 लोगों को कोविड का वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 12,929 और सेकेंड डोज लेने वालों में 3,796 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि सोमवार को 2 महिला तथा 2 अभिभावक स्पेशल केंद्र पर वैक्सीनेशन किया गया। इसके अलावा जिला अस्पताल, महिला जिला अस्पताल, बीआरडी मेडिकल कॉलेज, सीएचसी व पीएचसी सहित 58 केंद्रों पर कुल मिलाकर 16,725 लोगों को वैक्सीनेशन किया गया है। सीएमओ ने कहा कि जनपद में कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट आई है, लेकिन कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, जिसके बचाव के लिए मास्क लगाएं व सोशल डिस्टेंस का पालन करना जरूरी है। जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराया है, वह लोग वैक्सीनेशन जरूर करवा लें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, आज 58 जगहों पर हमारे ज़िले में वैक्सीनेशन हो रहा है, जिसमें से 2 महिला स्पेशल बूथ है, 2 अभिभावक स्पेशल बूथ है और हमारी जिला अस्पताल, महिला अस्पताल, बीआरडी मेडिकल कॉलेज, संक्रामक रोग और हमारी अर्बन पीएससी और सीएससी पर चल रहा है। आज का कितना लक्ष्य? आज का लक्ष्य हमारा 12,000 का लक्ष्य है। आम लक्ष्य से ज़्यादा हम काम कर रहे हैं। इधर क्लस्टर अप्रोच के तहत वैक्सीनेशन के लिए सरकार की आदेश की इंतजार हो रही है। जैसे ही सरकार आदेश करती है, हम क्लस्टर वैक्सीनेशन से ज़्यादा मात्रा में लोगों को वैक्सीनेशन करेंगे। जनता से क्या अपील? जनता से अपील है कि कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना को से लड़ाई लड़नी है। इसके लिए मास्क और 2 गज की दूरी, भीड़ भाड़ के इलाके में बिल्कुल ना जाए, जैसे कि कोरोना संक्रमण से को फैलने से रोका जा सके। सभी से निवेदन है कि इस नियम का भी लंबे समय तक पालन करना है। बाहर घर से बाहर जाते हैं आप, तो आप अगर ये इस तरह की सावधानी नहीं बरतते हैं तो आप संक्रमण जो है अपने घर में लाते हैं और घर में अपने नियर एंड डियर को आप देते हैं। तो नियर एंड डियर का ख्याल आप रखिए, जब भी आप घर से बाहर जाएं आप इतनी सावधानी बरतिए कि जिससे कि कोरोना आपके घर तक ना आने पाए और जिससे हम फैलने से रोक सकें। और साथ साथ वैक्सीनेशन भी कराएं, जब भी आपकी बारी आए आप शांतिपूर्वक सेंटर पर जाकर अपने समय की बारी का इंतजार करके वैक्सीनेशन कराएं।